हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है 20th नवंबर, सेकेंड डे ऑफ आवर राइड, और अभी हम रेडी हो चुके हैं। थोड़ी सी पैकिंग बाकी है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड देन बैग लोड करेंगे गाड़ी पे, एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो आज का प्लान है कि आज हम जाने वाले हैं सन टेम्पल, जो है मोढ़ेरा में, और उसके बाद हम जाएंगे रानी की वाव। सो गाइस, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग, होटल जनपथ, विच इज़ ऑन द अहमदाबाद महसाना हाईवे। सो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट में मंगाया है पोहा, दिस इज इट। सो सोच रहे हैं कि थोड़ा लाइट ही खाएं, ज़्यादा ऑयल भी वाला नहीं खाना है, क्योंकि आज भी हमको अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर चलाना है, और उसमें दो लोकेशंस पे भी जाना है, तो इट विल बी अ लॉन्ग डे। तो लाइट खाते हैं, अगर भूख लगती है तो रास्ते में कुछ और खा लेंगे। तो चलो, मैं आपको मिलता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। सो गाइस, आज की ट्रिप शुरू कर रहे हैं हम। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अम्बे माटी की जय। हमने सोचा था कि आपको हम सन टेम्पल में दिखाएंगे, लेकिन यार ये रास्ता काफी खूबसूरत है, हमने सोचा चलो आपको ये रास्ता भी दिखाएं। सुबह से जो क्लाइमेट था काफी धुंधला था, बादल थे, बट अभी यहाँ से थोड़ी धूप निकल गई है। उत्सव के क्लाइमेट अच्छा रहे ताकि हम आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा सके। बस यहाँ से है राइट, वहाँ पे बोर्ड लगा है, वेलकम टू दी मोढ़ेरा सन टेम्पल। सो गाइस, हम लोग अभी है सन टेम्पल में। तो यहाँ पे जो एंट्री टिकट है वो इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 30 रुपीज़ है। दिस इज़ अ बुकिंग काउंटर, अभी हम यहाँ से पर्ची लेंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। स्पेशली बाइकर्स के लिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे क्लोक रूम नहीं है जहाँ पे हम अपना सामान रख सकते। तो अभी मैंने इन भाइयों को रिक्वेस्ट करके मेरा जो राइडिंग जैकेट है ये इनके अंदर ऑफिस में रख दिया है, और हमारी जो टैंक टेल बैग है वो गाड़ी पे लगी हुई है। वैसे उसमें कुछ कीमती सामान नहीं है, बट अननेसेसरी थोड़ा सा टेंशन होता है। सो गाइस, वी आर इनसाइड द सन टेम्पल। ये आसपास का जो एरिया है इसको इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से ब्यूटिफिकेशन किया है, आप देख सकते हो, इट्स लॉट ऑफ ग्रीनरी। तो ये सन टेम्पल बनाया था बाई किंग भीमा, जो के थे चालुक्य डायनेस्टी से, और मोहम्मद अफ गजनवी ने भी इसे इन्वेड करने की कोशिश की थी और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। ये है स्टेपल। ऐसे ही इंडिया में आपको काफी जगह पे ऐसे स्टेपल्स मिलेगी।
हम्पी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे ये है, जो है कर्नाटका में। और काफ़ी खूबसूरती से इसे इन स्कल्पचर्स को बनाया गया है। शाम में ये लाइट्स जब भी लोग चालू करते रहेंगे तभी इसकी खूबसूरती और बढ़ती रहेगी। तो ये है मेन सन टेम्पल जहाँ पे पहले सूर्य देवता की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अभी आइडल वर्शिप होता नहीं है क्योंकि दिस इज अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूजा अच्छा सब बंद कर दी गई है टू सेव दिस मॉन्यूमेंट। ये सन टेम्पल से बाहर जाते हैं और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है डांसिंग हॉल है। और बराबर इसके पीछे की तरफ है ये स्टेप वेल। जस्ट इमेजिन गाइस वो टाइम जब भी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इस बारीकी से इस काम को अंजाम दिया गया है। परफेक्ट मेजरमेंट्स, परफेक्ट प्लेसिंग ऑफ द रॉक्स। Thank you.
गाइस यहाँ पे ये हिस्ट्री दी गई है सन टेंपल की इंग्लिश में, दिस इज इन हिंदी एंड दिस इज इन गुजराती। द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज यहाँ पे इसकी हिस्ट्री ब्रेल में भी दी गई है फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, दैट्स अ रियली गुड थिंग। ये जो गार्डन जो बनाए गए हैं काफ़ी बहुत बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं ताकि आप नेचर का मज़ा ले सकें। सो गाइस वी आर एंटरिंग द म्यूजियम नाउ। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये नोटिस कीजिए फ्राइडेज को ये बंद होता है और इसका टाइमिंग है मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 5। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे एंड देन विल गो टू रानी की वाव। रानी की वाव इज़ ऑल्सो इक्वली ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट लाइक द सन टेम्पल, आप इक्वली ही बोल सकते हैं मॉन्यूमेंट्स को, क्योंकि हर चीज़ अलग चीज़ के लिए बनाई, हर मॉन्यूमेंट एक अलग चीज़ के लिए बनाया गया था, तो आप उसमें ये ज़्यादा अच्छा है ये कम अच्छा है साहब बोल नहीं सकते। दी रानी की वाव का एक अलग हिस्ट्री है वो मैं आपको बताऊंगा वंस वी रीच द प्लेस। चल चुके हैं फ्रॉम द सन टेंपल, अभी यहाँ से जाएंगे हम रानी की वाव जो है 30 किलोमीटर्स, चले जहाँ पे रानी की वाव है। पाटन शहर का नाम पाटन इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड फेमस पटोला साड़ी वो बनती है, तो उसी के नाम से उस शहर का नाम पाटन पड़ा। तो गाइस ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।